स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने कस्टमर के लिए चाहे सिक्योरिटी पर्पस के लिए अपडेट हो या नया फीचर के लिए कोई अपडेट हो, समय समय पर चेंज करते रहते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने धमाकेदार 3 अपडेट दिए हैं, इस वीडियो में आपको बताने वाला। अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता है, अगर आप योनो लाइट SBI इस्तेमाल करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो 3 अपडेट दिए गए हैं, तो चलिए सबसे पहले पहला अपडेट के बारे में जानते हैं। जैसे कि आपको पता है कि योनो लाइट SBI में अगर आप UPI से पैसे भेजते हैं तो आप यहाँ पे 5,000 रुपये तक ही भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 5,000 से बढ़ा के 1,00,000 रुपया तक कर दिया गया है, जिससे कि आपको स्क्रीन में भी दिखाया जा रहा है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का न्यू कस्टमर केयर भी नंबर लॉन्च हो गया है, और योनो SBI का भी न्यू कस्टमर केयर नंबर भी लॉन्च हो चुका है। ये दूसरा अपडेट है। तीसरा अपडेट ये है कि माइनर फ्लैशेस, इसका मतलब ये है कि जिसे आप योनो लाइट SBI में लॉगिन करते हैं तो बार बार आपको एरर देखने को मिलता है, ये सब प्रॉब्लम जो है बिल्कुल तरीके से सॉल्व कर दिया गया है। अगर आप योनो लाइट SBI में लॉगिन करते हैं या पेमेंट ट्रांसफर करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का एरर नहीं आएगा। तो ये फाइनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से योनो लाइट SBI में ये अपडेट दिया गया है। अगर आप योनो लाइट SBI के माध्यम से UPI को इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको UPI लिमिट बढ़ाना है तो किस तरह से आप बढ़ा पाएंगे, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले योनो लाइट SBI में आपको लॉगिन करना होगा, उसके बाद UPI ट्रांसफर पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेट UPI ट्रांजेक्शन लिमिट, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है UPI ट्रांजेक्शन लिमिट जो है 1,00,000 रुपये तक यहाँ पे हो चुका है। 1,00,000 रुपये तक आप UPI से ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको योनो लाइट SBI को अपडेट करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। तो चलिए हम यहाँ पे योनो लाइट SBI को अपडेट कर लेते हैं। अगर इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं।